वेलकम टू एच बॉन्ड क्लास। एलिमेंट, सिंबल, एटम नंबर और एटम मास और बैलेंस शीट। आज हम पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियडिक टेबल के कुछ एलिमेंट और उसके सिंबल और उसके परमाणु क्रमांक और उसके एटॉमिक भार और बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका सिंबल होता है एच और इसका एटॉमिक नंबर होता है एक। एक बैलेंसी होती है एक। इसके बाद आता है हीलियम। इसको एच ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल एच ई होता है। एटॉमिक नंबर दो, एटॉमिक मास चार, बैलेंस जीरो। इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम एल आई तीन सात, इसका होता है एक बैलेंस। इसके बाद आता है बेरिलियम। सिंबल होता है बी ई चार और आठ और इसका होता है दो बैलेंसी। इसके बाद आता है बोरान। इसका सिंबल बी पाँच ग्यारह और बैलेंसी होती है तीन कार्बन। सी सिंबल होता है परमाणु क्रमांक एक, परमाणु भार बारह, बैलेंसी चार। नाइट्रोजन एन सात चौदह तीन। ऑक्सीजन ओ होता है इसका सिंबल, एटॉमिक नंबर आठ, सोलह एटॉमिक मास और बैलेंस होती है दो। इसके बाद आता है फ्लोरीन, ये पी एल यू ओ आर आई एन ई फ्लोरीन एफ नौ अठारह बैलेंस होती है एक। इसके बाद आता है नियॉन। एन ई एटॉमिक नंबर दस बीस और जीरो। इसके बाद आता है सोडियम एन ए, इसका सिंबल एन ए, एटॉमिक नंबर ग्यारह और एटॉमिक मास तेईस, बैलेंसी एक। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। इसका सिंबल होता है एम जी बारह पच्चीस और दो। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम ए एल यू एम एन एम आई एन आई यू एम एल्यूमिनियम। इसका सिंबल होता है ए एल। एटॉमिक नंबर थर्टीन सत्ताईस और बैलेंस है तीन। इसके बाद आता है सिलिकॉन। इसका सिंबल होता है एस आई, एटॉमिक नंबर चौदह अट्ठाईस
चार बैलेंस ही हो गई। इसके बाद आप सिलिकॉन, सिलिकॉन का एस आई 14, 28 और बैलेंस होती है 4। फास्फोरस, इसके बाद आता है फास्फोरस, PHOS, PHOR-US, फास्फोरस, इसका सिंबल होता है P। एटम नंबर 15, 30 और फास्फोरस का बैलेंस जो होता है वो होता है 3। इसके बाद आता है सल्फर, ये होता है SF, इसका सिंबल S होता है, एटम नंबर 16 और एटॉमिक मास 33, दो वैलेंसी। इसके बाद आता है क्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन आता है, इसको Cl से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि इसका सिंबल Cl होता है, एटम नंबर 17, 34 और एक बैलेंस। क्लोरीन सिंबल होता है इसका Cl, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 34 और बैलेंस ये। इसके बाद आता है आर्गन, ARGON, आर्गन, इसका सिंबल होता है AR, 18 एटॉमिक नंबर, 36 एटॉमिक मास, बैलेंस 0। इसके बाद आता है पोटेशियम, इसका सिंबल K, एटॉमिक नंबर 19 और 39 एटॉमिक मास। इसके बाद आता है बैलेंसी A। इसके बाद आता है कैल्शियम, CaLCium, कैल्शियम, इसका सिंबल होता है Ca, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 40, दो बैलेंसी। इसके बाद आता है स्कैंडियम, SC21, इसका होता है 44 और मास 44 होता है और बैलेंस होती है 3। इसके बाद आता है टाइटेनियम, इसका सिंबल होता है Ti, एटॉमिक नंबर 22, 46 और बैलेंस होती है 4। इसके बाद आता है वेनेडियम, वी, इसका सिंबल वी होता है, 23 होता है इसका एटम नंबर और इसका और इसका एटॉमिक मास होता है 49, इसकी बैलेंस होती है 2। सॉरी सॉरी 3, इसकी बैलेंस होती है 3। इसके बाद आता है क्रोमियम, इसका सिंबल होता है Cr, 24 और 51। इसके बाद आता है
बैलेंसेस की है दो। फिर इसके बाद आता है मैग्नीज, मैग्नीज इसको Mn से प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल Mn होता है, 25 एटॉमिक नंबर और 55 इसका होता है एटॉमिक मास, और इसकी बैलेंसी होती है 7 भी होती है, सबसे ज़्यादा बैलेंसी इसकी 7 होती है, 4 भी होती है और 2 भी होती है, 3 बैलेंसियाँ होती हैं इसकी। इसके बाद आता है मैग्नीज, मैग्नीज है, मैग्नीज का सिंबल होता है Mn, 25 एटॉमिक नंबर और फिर 55 इसका होता है एटॉमिक मास, और वैलेंसी 7, 4 और 2 होती हैं, इसकी 3 वैलेंसियाँ होती हैं, 2 भी होती है, 4 भी होती है और 7 भी होती है। इसके बाद आता है आयरन, IRON आयरन, जिसका सिंबल होता है Fe, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, एटॉमिक मास होता है 56 और बैलेंस होती है 2,3। इसके बाद आता है कोबाल्ट, इसको CO से प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल CO होता है और इसका एटम नंबर 27 होता है और इसका जो क्या कहते हैं एटॉमिक मास होता है वो होता है 58 और बैलेंस होती है इसकी 2,3। इसके बाद आता है निकिल, ICKEL निकिल, निकिल होता है Ni, इसका सिंबल होता है 28 एटॉमिक नंबर, इसके बाद 58 इसका एटॉमिक मास, 2,3 इसकी बैलेंसी होती है। इसके बाद आता है कॉपर, CO(PER), इसका सिंबल होता है CU, इसका सिंबल CU होता है, इसकी एटॉमिक नंबर 29 होती है और इसका एटॉमिक मास 63 होता है, बैलेंसी होती है इसकी 1,2। दो को लिया नहीं जाता लेकिन इसको अपवाद माना जाता है। अपवाद। इसके बाद आता है जिंक, इसको Zn से प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल Zn होता है, एटॉमिक नंबर 30, 65 और इसका वैलेंस होता है 2।